नमस्कार, बात बे बात के लिए मैं कौशिक। बनारस यात्रा के दौरान आज हम लोग डोम राजा जगदीश चौधरी जी के साथ बैठे हुए हैं और इनसे हम लोग मणिकर्णिका घाट के बारे में और इनके पूर्वजों के बारे में, कब से ये लोग डोम राजा घोषित किए गए हैं और क्या महत्व है इस घाट का, इस महाशमशान का, इस विषय में हम लोग जानकारी इनसे लेंगे। नमस्कार। आप तो यहाँ के दूसरे राजा हुए इस घाट के, तो आपका बात विवाद के मंच पर स्वागत है। बात विवाद के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि पूरे विश्व को बताएं कि क्या महत्व है बनारस के मणिकर्णिका घाट का और आप लोगों के वंशज का। ये काफ़ी जिस समय नहीं बसे थी उस समय शंकर जी पार्वती जी आए थे नहाने के लिए। थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलेंगे महाराज। तो ऐसा जब इस समय काशी नहीं बसी थी जी, उस समय शंकर जी पार्वती जी आए थे नहाने के लिए काशी जी में नहाने के लिए। हाँ, तो शंकर जी से बोली पार्वती जी कि हम प्रभु में स्नान करना चाहती हूँ। तो शंकर जी बोले कहाँ आप स्नान करोगे, उस समय गंगा जी नहीं आई थी। तो बोले कि काशी में, उस समय कुंड था काशी में, मणिकर्णिका घाट थी, उस समय कुंड के नाम से मशहूर नहीं था वो। बोले कि उसी में नहाएंगे। तो लेकर आए तो उस समय वो पंडित लोग थे, हम लोग उस समय हम लोग पंडित जात के थे। अच्छा, उस समय आप ब्राह्मण हुआ करते थे। जी हाँ। अच्छा। तो आके बोले शंकर जी कि देखो ऐसा है, लोग ये स्नान करना चाहती है, इनको आप गंगा दिखा दो। तो बोले कि ठीक है, एक व्यक्ति गया उसमें से दिखाने के लिए या फिर वहाँ स्नान कर लीजिए। वो स्नान करके आई तो उनका एक कान का कुंड जो होता है बाला मणि, वो गिर गया उनका। आके बोले कि कर्णिका, हाँ कर्णिका मणि करती। तो आके बोले कि ऐसा है प्रभु, हमारा मणि गिर गया है, इनसे करिए कि ला के दे दें। तो बोले कि जाओ भाई, देखो उनका मणि गिर गया, ला के दो उनका। तो एक व्यक्ति गया लेने के लिए उसमें से। जी जी। जब लेने के लिए गया मणि, वो आ गया, आके कहा कि नहीं मिला। तो उसी समय शंकर जी पार्वती जी अपने रूप में आके बोले कंडाल कहीं से रख के करे कि नहीं मिला। तो लगा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने की, प्रभु हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको ये चीज़ मालूम नहीं था कि आप हैं, नहीं चोरी या कार्य इसको हम नहीं कभी करते। तो वो निकाल कर वो दिया, तो मतलब बोले जब वो जाने लगे तो वो व्यक्ति को वो चंडाल कहते हैं, तो हाथ जोड़कर खड़ा था, कहा तो प्रभु हमको तो आप चंडाल कह दिए, अब ये लोग हमको रखेंगे है नहीं। तो बोले कि ठीक है, ऐसा है तुम उसी यहाँ रहोगे और हिंदू धर्म को, जैसे हिंदू कास्ट के लोगों को अग्नि दोगे, उनसे उनका उद्धार होगा। उसी समय से कार्य चले आ रहा है ये प्रचलन, ये प्रथा उसी समय से जारी है। उसी समय से जारी है। तो जिस समय राजा हरिश्चंद्र आए ना, उनके ऊपर जो कहानी आई, तो राजा हरिश्चंद्र काशी में आए बिकने के लिए, उनको विश्वामित्र जी लेकर आए बिकने। तो काशी में उस समय बहुत से राजा थे, उस समय उनको कोई खरीदा नहीं, तो डोम जो रहे कालू डोम वही उनको खरीदे। वो खरीद कर अपने घर में लेकर आए, उनसे मतलब जैसे मुद्रा का काम उनसे करवाने लगे, जलाना कफन काली लकड़ी वगैरह वगैरह ये सब काम करवाते थे उनसे। और राजा हरिश्चंद्र के सत्यवादी राजा थे, वो उनके वकन पे केवल वो हुए थे, आने तो उनको क्या कमी थी। कल्लू डोम कौन थे? कल्लू डोम हमारे वंशज थे, आपके पूर्वज थे, आपके दादा परदादा हुआ करते। बहुत पूरी पुराने थे, बहुत पुराने, तो उन्हीं के वंशज हैं आप लोग, उन्हीं के हम वंशज थे। तो उसे यहाँ ये काम करते थे राजा हरिश्चंद्र कालू डोम के। तो जब इसी तरह रोहित को सांप ने रसा, तो उनको लेकर आए जलाने के लिए रोहित को। तो बोली कालू डोम उनके राजा हरिश्चंद्र से, कैसा है हमको अग्नि दे दीजिए। तो बोले कि हमको उसका कर चाहिए। हम कर कहाँ से लेंगे, हमारे पास है क्या कि हम आपको देगा। तो बोले कि नहीं हमको, वो बोले कि नहीं हमको चाहिए इसका, तभी उससे उसका उधार होगा। तो अपना सोने का साड़ी पहनी थी, वही आचल फाड़ कर वो आचल उनको दी। जब उनको आचल दी तब उनका मतलब ये थी, मतलब जो उनके परीक्षा में लोग दुकान होते उनके परीक्षा को पास किए। तो उसके बाद वही जीवित हो जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र को मतलब पूरा उनका राजपाठ सब मिल जाता है। तो कालू डोम में देख कर भयभीत हो जाता है कि अरे ये तो बहुत बड़े राजा, ये कहाँ से लगा पैर पर मतलब माफ़ी मांगने।
और हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको मालूम नहीं था कि आप ये हैं, हम कभी ये कार्य आपसे नहीं करवाते। बोले कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस समय राजा हरिश्चंद तारामती रोहित जब घर को जाने लगे तो कालूडम बोले कि नहीं प्रभु, हम भी करेंगे आपके साथ, आपका हम सेवा करेंगे। तो वो जाने लगे, सिंहासन में बैठ कर तो पाँव डानी पकड़ कर कालूडम चले गए। तो ये वही जगह है राजा जगदीश चौधरी जी के द्वारा बताए जाने के अनुसार, ये वही जगह है जहाँ पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बिके थे कल्लू डोम के हाथों। रोहित के शव को जब लेकर के यहाँ पर आए, कर देने में वो सक्षम नहीं थे, इतनी गरीबी वाली हालत थी, दयनीय स्थिति थी, और कल्लू डोम हट पर अड़े हुए थे कि बगैर कर दिए। नहीं नहीं, राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र हट पर थे, वो कर मांग रहे थे। राजा हरिश्चंद्र ही ना काम कर रहे थे कालू डोम के यहाँ। हाँ, तो वही उनको कालू डोम कि तुम करो, वसूल करना, तुम अग्नि का जो भी दान होता है ये तुमको लेना है, तुमको जलाना है, तुमको लकड़ी रखना है, बांस उठा कर रखना है, कपन खाली, तो ये चीज़ उनके ऊपर जिम्मेदारी थी राजा हरिश्चंद्र के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो कल्लू डोम के यहाँ ये सारा काम करेंगे, जो भी शव जलाने के लिए आएगा अपने परिजनों का उससे कर वसूलेंगे और उसको सुविधाएं मुहैया कराएंगे। वो तारामती आए रोहित के लिए, तो रोहित से ही तारामती को से ही मांगे रोहित के लिए, जिनका हमको कर चाहिए दान, तभी से इसका मुक्ति होगा। तो ये अग्नि का परंपरा जो है, ये अगर हमारे ही कास्ट में कोई मरता है तो उनको भी अग्नि के लिए हमको कर देना पड़ता है। अच्छा, आप लोगों को डोम राजा की उपाधि कब कैसे मिली? एक राजा हरिश्चंद्र के समय से, उसी समय से। हाँ, क्योंकि उनको आपके दादाजी ने खरीद लिया था इसी समय, जिस समय हमारे दादाजी बनवा रहे थे मकान, तो राजा साहब उनके इसके लिए विवाद किए, शायद ये तुम, ये काशी के जो राजा थे, जो तुम्हारे ये हक में नहीं है कि तुम फिर बनवा सकते हो। तो हमारे दादाजी बोले क्यों नहीं बनवा सकते हैं हम, बोले नहीं तुम्हारा कौन वो है कि तुम बनवाओगे, तुम कहाँ से राजा हो। तो उसी समय हमारे दादाजी बोले, जिस समय राजा हरिश्चंद्र आए बिकने के लिए उस समय आप लोग कहाँ थे, आप लोग क्यों नहीं खरीदे इनको, अगर आप खरीदे होते तो आज हमारा ये महत्व नहीं होता। अगर एक राजा को अगर राजा ही नहीं खरीदता है तो महत्व है कि नहीं हमारा, तब उसको बोले हाँ ये बात तो सत्य कर रहे हो। तो उसी समय ये सिर लगा है। राजा हरिश्चंद्र को कल्लू डोम ने खरीद लिया था और हरिश्चंद्र कल्लू डोम के यहाँ काम किया करते थे, जो कि इनके पूर्वज हुआ करते थे, जिनके ये लोग वंशज हैं। आज भी वो परंपरा जारी है, आज भी इनको डोम राजा के रूप में, मतलब वाराणसी के दूसरे राजा के रूप में हम लोग जानते हैं और पूरा विश्व जानता है। कल्लू डोम के ये वंशज हैं और कल्लू डोम ने राजा हरिश्चंद्र को ख़रीदा, इसलिए उनको भी राजा की उपाधि मिली। ये कहानी है यहाँ की। मणिकर्णिका की कहानी इन्होंने जैसे बताया कि महादेव पार्वती को लेकर के यहाँ पर आए काशी स्नान कराने के लिए इस घाट पर, और उसी समय उन्होंने एक कुंड बनवाया और उस कुंड में अपने जटा से जल भरवाया और उसमें पार्वती जी को स्नान करने के लिए भेजा। स्नान के दौरान उनकी मणिकर्णिका गुम हो गई, जिसको उन्होंने खोजना शुरू किया, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा वो चुरा लिया गया था। उस व्यक्ति ने देने से, उस मणिकर्णिका को देने से इनकार कर दिया, जिस पर क्रोधित होकर के महादेव ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग चंडाल की ज़िंदगी जियोगे। तब से ये परंपरा चालू है कि वो चंडाल की ज़िंदगी जीते हैं, यहाँ पर शव को जलाने का काम करते हैं और आप काशी के दूसरे राजा के रूप में जाने जाते हैं, डोम राजा के रूप में जाने जाते हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों के घर में ऐसा बताया जाता है कि सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है, 350 के करीब परिवार हैं, बहुत सारे लोगों के लिए भोजन एक ही जगह आपके यहाँ बनता है, जैसे जिसका क्या ये कहानी है? जैसे हम लोग जितने परिवार लोग हैं, हम लोग करीब करीब 40-45 लोग हैं। 40-45 एक ही बात बता के। अच्छा, तो हम लोग का एक ही घर में खाना पीना बनता है। एक ही घर में? एक ही घर। पूरे कितने सदस्य हो जाते हैं? हम लोग 40-45 लोग हैं करीब करीब। लेकिन कहा जाता है कि हजारों के रूप में, मतलब ऐसा तो हम लोग, ये मिथ्या है। जैसे शादी ब्याह हुआ तो शादी ब्याह में तो लोग जुटते ही हैं, तो कहूँ 1000 लोग जुट जाते हैं उसमें, 3-4 हज़ार लोग हो जाते हैं, तो उसमें तो कोई वो है नहीं। जो रोज़ का खाना पीना है
तो हम लोग कल तो 40-45 लोग खाते। अच्छा, चिता की अग्नि पर जो खाना बनाने वाली बात कही जाती है जी, क्या महत्व है इसका? जैसे इसका महत्व है कि जो जैसे इसको महादेव जी को मतलब भगवान रखता है इसका, हाँ महादेव जी को ऐसा भभूति लगता है शंकर जी को, हाँ। और ये जो लकड़ियाँ जो है शुद्ध है, जैसे जिससे आप गोरे को मानते हैं, चिता की लकड़ियों को शुद्ध माना जाता है, जैसे शुद्ध खाना गोरे को शुद्ध खाना बनता है, उसी तरह लकड़ियाँ को भी शुद्ध खाना होता है ये, इसलिए तो जब हम महादेव जी उसका भकम लगा रहे हैं तो शुद्ध ही चीज़ है ना, तो उससे उसको खाने से जैसे कुछ लोग को मिर्गी का दौरा होता है तो ये चीज उनका मतलब खत्म हो जाता है। अच्छा, मिर्गी के बीमारियों से लोगों का बचाव होता है इससे, उससे उद्धार होता है, मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है चिता की लकड़ी पर खाने से। उसी पर आप खोखा लिट्टी दाल जो भी खाना है बना कर खाइएगा, 5 हफ्ता 9 हफ्ता 7 हफ्ता या 11 हफ्ता जितना तक आपका जब तक मतलब जितना लंबा समय तक आप उसका प्रयोग करेंगे उतना ही फायदेमंद होता है। अच्छा, एक बात ये भी कही जाती है कि आदिकाल से अनादिकाल से यहाँ के चिता में अग्नि जो प्रज्वलित है वो लगातार प्रज्वलित है, वो जलती रहती है। ये सही बात है, ये सही बात, इसलिए जलती रहती है कि जो लकड़ियाँ होती है वहाँ, जैसे गो जहाँ से अग्नि दिलाता है तो वो अग्नि जब ख़त्म होने का रहता है तो जो चिता जलती है वो लकड़ी नीचे से उड़ा कर उसी में रखा जाता है। अच्छा अच्छा, तो उसको मतलब कि देख रेख किया जाता है कि वो बुझे नहीं ना। लगातार उसमें लकड़ी डालते रहते हैं, चिता की लकड़ी उसमें डालते रहते हैं कि वो प्रज्वलित रहे, बीच में खंडित ना हो, बीच में वो रुके नहीं, बुझे नहीं। तो ये मतलब कि परंपरा है। जैसा कि बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर अनादिकाल से चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं, वो लगातार प्रज्वलित होती है। तो डोम राजा जगदीश चौधरी जी के द्वारा बताया जा रहा है कि उस पर लोग लगे रहते हैं, ध्यान दिया जाता है कि वो अग्नि कभी बुझे नहीं, जब भी उसमें लकड़ी कम पड़ती है तो अलग से चिता की लकड़ी उसमें डालते रहते हैं कि अग्नि प्रज्वलित रहे, कभी उसको खंडित करने का परंपरा नहीं है। ये परंपरा अनादिकाल से सही बात है कि जारी है, यही यहाँ की सच्चाई है। हम लोग महाशमशान मणिकर्णिका में आए हुए हैं, जिसको विश्व स्तर पर जाना जाता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। देश के कोने कोने से लोग अपने परिजनों के अंत्येष्टि को लेकर के यहाँ पर आते हैं और अंत्येष्टि संस्कार यहाँ पर कराते हैं ताकि उनके परिजनों को मोक्ष की प्राप्ति हो। ये यहाँ की धार्मिक मान्यता है, यहाँ की पौराणिक मान्यता है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं जगदीश चौधरी जी से, और भी बात हम इनसे कर रहे हैं। अभी आप लोग का जो जीविकोपार्जन का, घर में भरण पोषण का, इस घाट के अलावा और भी कुछ काम वाम होता है? नहीं, कोई काम नहीं कर रहा हूँ, घाट ही का काम है। घाट का ही काम करते हैं आप लोग? जी हाँ। पूरे परिवार, आप लोग कितने भाई हैं? हम लोग अब तो केवल हम अकेले रह गए हैं, हमारे 3 भाई थे। आपके परिवार में केवल अकेले आप हैं? और आपके बच्चे? हमारे एक लड़का है, ओम हरि नारायण चौधरी। आपके पिताजी कितने भाई थे? उन लोग जैसे हमारे पिताजी भी 3 भाई थे। 3 भाई थे। हमारे दादाजी भी 3 भाई थे, हमारे परदादा भी 3 भाई थे। 3-3 भाई सभी लोग? हाँ। और आप अकेले? हम लोग 3 ही भाई थे। अच्छा, आप भी 3 भाई थे? 2 भाई पार हो गए। अच्छा, 2 भाई नहीं है, आप अकेले अभी हैं? तो उनके बच्चे दोनों भाइयों के? एक लड़का था, मतलब वो हेरा गया, बड़ा भाई का। अच्छा, वो कहीं खो गए? आपके भैया के बेटे? हाँ, बड़े। आप सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे हैं। सबसे छोटे हैं, 2 बड़े थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। और आपका कोई बच्चा? एक लड़का है, ओम हरि नारायण चौधरी। ओम हरि नारायण चौधरी आपके बेटे हैं, क्या करते हैं वो? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते हैं कहाँ? क्या नाम है, राम प्यारी में। अच्छा, तो उनको ये विरासत में देना है कि आगे उनको कुछ और भी? और देखिए, अभी तो पढ़ रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि अगर सरकारी नौकरी या कोई अच्छी उनकी सर्विसिंग लग जाए तो ठीक है, और नहीं लगा तो उनको घाट का कार्य तो करने के उत्तराधिकार में उनको ये करने दिया जाएगा, विरासत में ये मिलेगा परंपरा। ये कहाँ जाएगा? वैसे आपकी इच्छा है कि मेरा बेटा पढ़े और नौकरी करे, किसी अच्छी नौकरी में अगर चला जाए, क्या कारण है कि आप इस
जगह से हटा करके उसको नौकरी में भेजना चाहते हैं। कि कोई भी बाप चाहेगा कि मतलब हमारा लड़का एक अच्छा सोसाइटी एक अच्छा मतलब उपाय अब अगर हमारे बिरादरी में हमारे कुछ लोग या हमारे परिवार के कुछ लोग ऐसे बनते हैं तो अच्छी चीज़ है ना। शिक्षा के तरफ अगर अग्रसर हों तो ये बेहतर होगा, सरकारी नौकरी पाएँ और पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करें, ये चाहते हैं। निश्चित तौर पे हर पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा जो है, मेरा वंश जो है, मेरा आने वाला पीढ़ी जो है वो बेहतर करे, शिक्षित बने, बेहतर काम में लगे। तो राजा डोम राजा जगदीश चौधरी जी भी चाहते हैं कि मेरे बेटा जो हैं, एक ही बेटा है इनके, ये चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी में जाए, अच्छा आदमी बने, शिक्षित आदमी बने, इस पेशे से अलग निकले, इस परंपरा से अलग निकले। तो हम लोग डोम राजा जगदीश चौधरी से बात किए, तो अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ, तब तक बात बेबात देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।